सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। उसको रूट थ्री आर कर लो, रूट थ्री आर आ रहा है, ठीक है, इसको रूट थ्री कर लो, इसको मतलब इसको आर रूट थ्री था ना, इसको रूट थ्री आर कर लो, इसको ये वाले क्वेश्चन। फॉर्मूला तो एक मिनट, कोण का कोण के साथ लिखा ना मैंने, कोण का 1/3 πr² h(rho), और h/4h² होगा, ये हो गया 2/3 πr³ ρ। आई थिंक करेक्ट है हमारा, ठीक है, कहीं से भी एंगल लो वही आंसर आ रहा है। कंप्लीटेड, डन सर। सॉलिड एन स्क्वायर का -3r/8 नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, सर एक बार M1 दिखाइए सर, ऊपर वाला M1, उधर R² लिखा और न, न, हाँ करेक्ट है सर, ठीक है ना बेटा, वो ठीक है, करेक्ट है। सॉलिड एन स्क्वायर लेंगे तो 3r/8 आएगा, अगर हॉलो लेते हैं तो r/2 आता, फिर आंसर चेंज हो जाता, ठीक है, सॉलिड का ठीक है हमारा, हमने सॉलिड लिया है ना, इट्स ओके। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है, मैं अब लेवल चेंज करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन कुछ ऐसा लेता हूँ कि जस्ट ये, हाँ कैन आई स्क्रॉल एवरीथिंग डाउन, सबने कंप्लीट किया, ओके, कैन आई स्क्रॉल एवरीथिंग डाउन बॉयज एंड गर्ल्स, यस। सी मैंने आपको बहुत पहले बताया था, मैं अब लेवल चेंज कर रहा हूँ, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, ये भी आप लोग को आता है, ओके। सो दिस ईयर मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि लास्ट टू लास्ट लेक्चर में कि कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसको आपने इस तरह से प्रोजेक्ट किया इन एयर, और सपोज कर लो वो एक्सप्लोड हो गया, ये इट एक्सप्लोड्स, वो यहाँ पे अगर एक सेकेंड, जस्ट रुको, भी जस्ट अ सेकेंड, हैंग कर रहा है, हाँ ठीक, ओके। No, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है और दिस इज तो मैंने बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लो ये मास m है,
तो जब ये मूव करेगा तो मैंने बोला था अगर सपोज कर लो यहाँ पे एक्सप्लोड हो जाता, इट एक्सप्लोड गया, तो मैंने बोला था कि सपोज अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाते हैं एम वन, ठीक है, दिस इज एम टू, एम टू इधर जा रहा है, ठीक है, एम थ्री इधर जा रहा है, लाइक दिस वे बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाते हैं एम थ्री, ठीक है, वो अलग अलग जाके गिरेंगे, कोई इधर आएगा कोई इधर आएगा, लाइक दिस एक्सप्लोड होगा। बट मैंने आपको बताया था क्योंकि एक्सप्लोजन इंटरनल होता है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, वो अपने सेंटर ऑफ मास जो है वो सेम पाथ को फॉलो करेगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा, वो उसी पाथ को कंटिन्यू करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि एक्सप्लोजन जो है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से है, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, तो जब तक एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं होते हैं सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से चेंज नहीं होता है, वो अपने जो भी पाथ होगा उसको फॉलो करता रहेगा, कहने का मतलब ये है। सो ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगते हैं तब तक सेंटर ऑफ मास पे चेंजेस नहीं आते हैं, वो जो भी पाथ में होगा व्हाटएवर द पाथ इट इज फॉलोइंग वो उसको फॉलो करता रहे, ठीक है, वो तब तक उसमें डेविएशन नहीं होगा, इट विल नॉट डेविएट टिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, आर यू गेटिंग, सो इट विल कंटिन्यू along the same path of it will continue along the same path of projectile motion and there's no deviation, explosion is basically totally internal forces ki wajah se hai, to mass ko idhar aayega ko idhar aayega ko idhar aayega lekin center of mass apni jagah pe apne path ko follow karta rahega, yaad hai maine aapko bahut pehle ek baar bataya tha, everybody can memorize, yaad aaya? Yes sir. Ha, ab is pe numerical aate hain, dono mein aate hain, medical mein bhi aate hain, mains mein bhi aate hain, मैं छोटा एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ समझाने के लिए, ठीक है, सो लेट्स से अ शेल इज प्रोजेक्टेड, अ शेल इज प्रोजेक्टेड अ शेल ऑफ मास एम, एम इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा, at an angle theta with the horizontal, वो horizontal से angle theta बना रहा है, वो diagram दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है ऐसा कुछ नहीं, word problem दे सकता है, ठीक है, at some point या हाँ at some point कहीं पे भी it explode in two parts, it explodes in two part, दो part में explode हो गया, ठीक है, and masses in the ratio 1:2, masses in the ratio 1:2, the lighter particle, जो लाइटर पार्टिकल है, वर्ड प्रॉब्लम दिया उसने, डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, द लाइटर पार्टिकल फॉल एट द ओरिजिन, द लाइटर पार्टिकल फॉल या लाइटर पार्टिकल यू कैन से रिटर्न टू इट्स इनिशियल पॉइंट, ऐसे कर सकते हैं, हाँ, the lighter particle returns to its initial point, what is the position of second part on the ground, एक पार्ट तो वापस आ गया, अब दूसरा कहां जाएगा, एंड आर इज द रेंज, आर इज द रेंज, आर उसका रेंज है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, आर इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, यू कैन से आर इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड ऑप्शंस आर, ऑप्शन दे रखे हैं, लेट्स से ऑप्शंस आर 3R/5 ऑप्शन बी, 3R/4 ऑप्शन सी, 3R/2 ऑप्शन डी,
टू आर बाय थ्री। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लो अच्छे से, समझ लो पहले क्वेश्चन क्या है, जस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एक शेल फायर्ड किया गया एंगल थीटा पे, वो कहीं पे जाके एक्सप्लोड करता है 1:2 के रेशियो में, एक पार्ट तो वापस आ जाता है और दूसरा पार्ट जो है वो पता नहीं कहाँ पे जाके गिरता है, मालूम नहीं, आर इज द रेंज है। तो आपको बताना पड़ेगा कि तो दूसरा पार्टिकल गिरेगा कहाँ पर ग्राउंड पे। डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से हियर इट इज, हाँ वो इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया एंड इट विल गो लाइक दिस वे, वहां पे एक्सप्लोड हो गया, मुझे मतलब नहीं, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर इधर आएगा, सेंटर ऑफ मास विल फॉल हियर, सेंटर ऑफ मास विल कम हियर, और यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ कुछ, हाँ एंगल थीटा पे था, दिस इज जो भी है, वेलोसिटी दिया है क्या, तो प्रॉब्लम नहीं, वेलोसिटी जरूरत ही नहीं, ठीक है चलेगा। आर इसका रेंज हो गया, तो एक पार्टिकल तो इधर आया है, दूसरा कहाँ जाएगा, वन पार्टिकल विल फॉल हियर, तो दूसरा किधर जाएगा वो। अच्छा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, इधर आएगा ना, सेंटर ऑफ मास विल कम हियर, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे रहेगा, तो एक अगर यहाँ पे लौट के आता है, एक अगर वापस लौट के आता है इधर, एक काम करते हैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, लुक हियर, एक तो वापस लौट के आ गया, एक इधर लौट के आ गया, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो दूसरा कहाँ पे जाएगा, सेंटर ऑफ मास इधर है, तो दूसरा राइट तरफ कुछ आएगा, दूसरा इधर आएगा कहीं पर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा ना बेटा, सेंटर ऑफ मास तो बीच में ही आएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों पार्टिकल लेफ्ट की तरफ आ जाए और सेंटर ऑफ मास राइट तरफ चला जाए, ऐसा थोड़ी ना होगा, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब एक्सप्लोजन हुआ, तो एक्सप्लोजन हुआ तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे मेंटेन रखेगा, ये वाला वापस आ गया और ये वाला कुछ इधर चला गया, लेकिन सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे मूव नहीं करेगा, वो तो फॉलो करते वापस इधर ही आएगा, सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज, वो फॉलो करते करते इधर ही आके गिरेगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो पहला वाला मतलब सेंटर ऑफ मास तो रेंज पे ही रहेगा ना, दिस डिस्टेंस इज आर, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस मालूम नहीं, इसको कुछ ले लो एक्स ले लो, क्या करें एक्स ले लेना, नहीं 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 क्या करें, ओरिजिन कहां पे लोगे बॉयज एंड गर्ल्स, एक्सीएम का, अच्छा सिर्फ एक्सीएम अप्लाई करोगे तो हो जाएगा, एक्सीएम से ही आ जाएगा, एम वन इधर आया, एम टू उधर जाएगा, सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाएगा, ठीक है, बीच में आता है एग्जैक्टली, मिडिल में नहीं आएगा, लेकिन इधर एक लेफ्ट जाएगा एक राइट जाएगा, ठीक है, मतलब इट्स लाइक दिस वे, एक इधर आ गया वापस, एक लौट के वापस आ गया, इधर आ गया लौट के वापस, और दूसरा इधर चला जाएगा कहीं आगे, इट्स लाइक दिस ऐसे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पहले पढ़ लो, समझ लो पहले, एक्सीएम अप्लाई करेंगे मिल जाएगा हमको, क्वेश्चन में ऐड कर लेना, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये तो बताया नहीं सेंटर ऑफ मास कहां से निकालना, वो एक्सप्लोड कर गया 1:2 में, एक वापस आ गया रिटर्न आ गया, दूसरा आगे कहीं चला गया, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे मूव नहीं करेगा, वो अपनी जगह पे रहेगा, सर M2 सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं गिर सकता, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, पार्टिकल्स अब लेफ्ट पे चले जाएंगे, सेंटर ऑफ मास राइट पे चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, सेंटर ऑफ मास दोनों पार्टिकल को देखेगा ना, अगर एक 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 बात बताओ बेटा, एक मास अगर मैं बोलूं तुमसे, कॉमन सेंस लगाओ जरा,
अगर मैं बोलूं कि एक मास यहाँ पे है 1 kg और दूसरा मास इधर है 2 kg, तो मैं अगर आपको 3 पोजीशन दूं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो सकता है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो सकता है, सेंटर ऑफ मास इधर हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, सेंटर ऑफ मास इधर इधर थोड़ी जाएगा, ये अगर 2 masses हैं तो सेंटर ऑफ मास बीच में ही कहीं पर आएगा ना, उनका जो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन कैसे, ठीक है, इसलिए वो बीच में ही आएगा। ओके, सो तो क्या करें हम लोग, एक्सीएम अप्लाई कर दे क्या? एक्सीएम m1x1 + m2x2 / m1 + m2। ओरिजिन कहाँ पे ले रहे हो? सेकंड डायग्राम नहीं समझ रहा है सर। कौन सा? सेकंड डायग्राम, ये वाला ना, ये वाला सर, राइट साइड का। अच्छा ठीक है, दोबारा समझा दो, दोबारा मैं समझाता हूँ, लेट मी रेज एवरीथिंग, मैं दोबारा समझाता हूँ। ओके ठीक है, दोबारा समझा रहा हूँ। ओके, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, किसी पार्टिकल को यहां से थ्रो किया, वो जा रहा था, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह, वो एक्सप्लोड कर गया यहाँ, इट एक्सप्लोड ही, वो एक्सप्लोड कर गया, लेकिन एक्सप्लोजन के बाद मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से चेंज नहीं होगा, तो सेंटर ऑफ मास विल कम हियर, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो अपनी जगह पे आ जाएगा, वही है, यहाँ पे आ जाएगा, दैट विल नॉट चेंज। और ये यहां से थ्रो किया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन किया, उसने क्या बोला कि एक पार्टिकल तो वापस आ जाता है, तो ठीक है, एक पार्टिकल को वापस ले आते हैं, एक पार्टिकल वापस आ गया, m1 वापस आ गया, और सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो नेचुरली m2 थोड़ा आगे चला जाएगा, m2 इधर आ गया, लेट्स से सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास इधर उधर नहीं जाएगा, वो अपने प्रोजेक्टाइल के पाथ को फॉलो करेगा, इट विल फॉल हियर। और आपको मालूम है कि इसका रेंज क्या होता है, r, सो आप कहीं पर ओरिजिन ले लीजिए, कहां पे ओरिजिन लेंगे, लेट्स टेक ओरिजिन हियर, आप ओरिजिन, उसने बोला है कि फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो एक काम करो, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन ले लो, 0, 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, रेंज है ना, r, 0, इसका मालूम नहीं है, तो टेक दिस एज एक्स, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, उसी लाइन पे ही है, x, 0, x, 0, तो मैंने ओरिजिन लिया 0, 0, ये लौट के वापस आ गया, ये थोड़ा आगे चला जाएगा, सेंटर ऑफ मास अपने पाथ को कंटिन्यू रखेगा, इट विल फॉल हियर, कहां पे गिरेगा, r रेंज पे गिरेगा, रेंज उसका, रेंज जो r होता है ना, तो r पे गिरेगा, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास r पे लाई करेगा, पहला वाला पार्टिकल वापस आ जाता है, दूसरा वाला पार्टिकल और आगे चला जाता है, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रेंज पे गिरा हुआ, सबके कोऑर्डिनेट लिख दो, तो लेट से मैंने इसके कोऑर्डिनेट लिख दिया 0, 0, एक इसके, इसका रेंज r हो तो r, 0, और इसका कोई डिस्टेंस x ले लो तो x, 0, तो मिल गए ना सबके कोऑर्डिनेट, तो फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, m1x1 + m2x2 + सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है, सेंटर ऑफ मास लाए एट r, 0, तो ये r हो जाएगा, m1 मास क्या लोगे, 1:3 में ब्रेक हुआ, मास कैसे ब्रेक करेंगे 1:3 में, सर 1:2, हाँ सॉरी 1:2 में कैसे ब्रेक करेंगे, क्या लिखूं, 1:2 में कैसे ब्रेक करोगे, m/2 1x + 2x = m, इसने बोला m/2 and 3m/2, यस राइट ब्रेक करने में, तो कैसे करेंगे, तो मास 1:2 में गया है ना, तो
तुम एक काम करते हैं ना, 1:2 में माउस ब्रेक होता है, छोड़ो कोई भी माउस हो 1:2 में ब्रेक होता है। अगर मान लो मेडिकल का स्टैंड है, उसको नहीं करना है सब रेशियो वगैरह नहीं निकालना है, तो वो क्या करेगा, वो सीधे डायरेक्ट कर लेगा ना, सपोज ये 1:2, तो इसको हम एम ले ले, इसको 2m ले ले, चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा क्या? 1:2 में ब्रेक हुआ है तो इसको एम ले लेते हैं, इसको 2m ले लेते हैं, चलेगा ना? यस सर, ये भी इजी है। यस सर, वैसे जो पहले आपने बताया था वो भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है, और एक्चुअली वही मेथड, राइट मेथड जो आपने पहले बोला, ये मैंने थोड़ा सा इजी करने के लिए ऐसे कर दिया, एम और 2m कर दिया। आर यू गेटिंग? जो आपने पहले बोला था दैट इज द करेक्ट वन, इज इट क्लियर? रिमेंबर, हाँ आगे चलते हैं। तो रख दो वैल्यू और क्या, एम इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, एक्स कोऑर्डिनेट रखना एम 2, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स नहीं एम 2 नहीं एम 2m लेंगे ना हम लोग, 2m इसको 2m, हाँ नीचे क्या आ जाएगा, m प्लस 2m, तो x की वैल्यू आ जाएगी कि वो पार्टिकल कहाँ पे गिरा मालूम चल जाएगा हमको। देखो आंसर आ जाएगा, देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, तो आप लर्निंग स्टेज पे, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, तो आपने ग्राउंड पे ले लिया सबको, 3r/2, जो पहले इन्होंने बोला था ना मास को डिवाइड करने का मेथड, एक्चुअली वो करेक्ट मेथड था, ये हमने थोड़ा इजी करने के लिए इसको कर दिया m और 2m कर दिया। सर वो पहले वाला बताओ ना, मास को कैसे ब्रेक किया था उसने, उस तरह से आई थिंक ब्रेक किया था, शायद मैथमेटिकल अप्रोच यूज किया था उसने, उसने मास को इस तरह से ब्रेक किया था, अगर मास m है तो उसको 1:3 के रेशियो में किया था ना, 1:3 के रेशियो में करेंगे, लेट द रेशियो इज x, लेट रेशियो 1:2, लेट द रेशियो बी x, तो हो जाएगा 1x प्लस 2x इज इक्वल टू m, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, m बाय 3, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m बाय 3, इस तरह उसने ब्रेक कर दिया था, तो ये m1 हो गया था, ये m2 हो गया, उसने इस तरह से रेशियो लिया, मैथमेटिकल अप्रोच से ब्रेक किया। एक्चुअली अगर दिया हो तो फिर ऐसे ही ब्रेक करना पड़ेगा आपको, लेट द रेशियो भी x करके करना पड़ेगा, समझा क्या एवरीवन? यस सर, वो लेट जैसे मैथ्स में करते थे ना, लेट द रेशियो इज x, लोअर स्टैंडर्ड पे करते थे, वैसे करना पड़ेगा फिर आप, ठीक है? अच्छा हमने एक क्वेश्चन आपको समझाया, अब एक क्वेश्चन आप करेंगे, इसको कंप्लीट कर लीजिए। आपने क्या बताया कि आंसर है इसका 3r/2, 3r/2 पे गिरेगा, मतलब ये 0 पे गिरेगा, ये r पे आएगा सेंटर ऑफ मास, और वो 3r/2 पे आगे जाके गिरेगा, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, एक बार आप लोग ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा मैं चेंजेस करूंगा बस, सर थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन दिखाइए। हाँ चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया बेटा, बस प्रॉब्लम मुझे थोड़े बहुत समझाने थे आपको, ठीक है? सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, क्योंकि कल से बैच फिर से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है? इसलिए मैंने कुछ नया नहीं स्टार्ट किया अभी, ठीक है? थोड़ा सा वही डिस्कस किया है लिटिल बिट, सर आज वो केमिस्ट्री के लेक्चर सर नहीं थे इसलिए कंबाइन किया क्या, इसलिए कंबाइन किया, वो प्रॉब्लम हो गया था उनको, ठीक नहीं कुछ।
डन सर। Now, can I give you one question? मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, एक बार आप लोग ट्राई करो इसको, तो आप लोग कर लेंगे तो फिर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आप जैसा भी आएगा, ठीक है? A shell is projected at some point, from origin कर देते हैं, from origin, origin पहले ही ले लिया, ठीक है? At some point it explodes, same question मैं थोड़ा change कर दूंगा, at some point it explodes in three parts, two parts की जगह three parts कर दिया, three parts in ratio of 1:1:2:2. One lighter particle, lighter मतलब one वाला, one lighter particle fall back at origin, एक तो origin पे वापस आ गया, one lighter particle fall back at origin, other lighter particle fall at half the range. What is the distance of heavier particle from the origin? What is the distance of heavier particle from origin? If R is the range, options are 3R/4. Option B, 7R/4. Option C, 5R/4. And option D, 7R/3. ऐसा कुछ दे रखा है। So एक बार अपने से try करो। बस मैंने एक particle और add कर दिया। Formula वही use होगा। Formula मैं लिख देता हूँ। You have to use this formula. M1 X1 plus M2 X2 plus M3 X3 upon M1 plus M2 plus M3. XCM center of mass पे ही लाई करेगा, डायग्राम ड्रॉ कर लो, देख लो वो सरफेस पे कहां कहां गिरते हैं, और पहले जहां पे